वालेकुम पब्लिक, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज जो है ना, आपको हम बताने वाले हैं इस्लामाबाद पिंडी की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो है ना। खैर देखी तो होगी आपने, मॉल है भाई, और मॉल है, बाकी सारी चीज़ें ना है तो बिल्डिंग ही ना। तो यहाँ जा रहे हैं हम, ये सेंटोरस, ये अभी सामने ही हमारे, ये कुछ दो तीन बंदे हैं हमारे साथ जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अब जो है ना, इसकी लोकेशन वगैरह और अंदर से ये कैसा है वो आपको दिखाते हैं। पूरा सेंटोरस उसके बारे में बेशुमार लोगों को पता भी है, और जिनको नहीं पता तो उनको आज पूरा विज़िट करवाते हैं। अब चलते हैं सीधा अंदर, तो आपको सारा इसकी लोकेशन बताते हैं। ये इसकी पार्किंग के पास हम आ चुके हैं, और ये देख सकते हैं हम, एक ही अभी नज़र आ रही है तो इधर तीन। तो अभी हम सीधा चलते हैं अंदर, तो अंदर से आपको इसकी जो है ना पूरी लुक बताते हैं। यहाँ इतने पास आ गए हैं कि बिल्कुल कैमरा ऊपर करके इसको देखना पड़ रहा है। तो अभी अंदर से पूरा आपको जो है ना इसका सेटअप दिखाते हैं कि कैसा लगता है ये अंदर से। और ये अभी हम जो है ना इसके अंदर एंटर हो चुके हैं। सामने लेफ्ट राइट हर तरफ आपको जो है ना नज़र आ रहा होगा इसकी खूबसूरती का। और ये कुछ परफ्यूम की कलेक्शन है, ये आप देख सकते हैं हर तरह का परफ्यूम ये भाई सेल आउट कर रहे हैं यहाँ पे। और आगे आगे जाके आपको दिखाते हैं कि क्या सीन होते हैं। आपको यहाँ सारे ही तकरीबन ब्रांड ही हैं, यहाँ अंदर घुसने के लिए जो है ना आपको ठीक ठाक पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। अभी हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर में, और ये फर्स्ट फ्लोर की कुछ लोकेशन जो आपको नज़र आ रही होगी, चारों तरफ ब्रांड ही ब्रांड कपड़ों के वगैरह वगैरह सारे ही हैं। ओवरऑल ही हर चीज़ ही है हमारे पास यहाँ, और ये तीन नमूने हमारे साथ हैं। और अभी हम आ चुके हैं सेकंड फ्लोर पे, और सेकंड फ्लोर पे जो है ना ये यहाँ पे भी काफ़ी सारे ब्रांड्स वगैरह हैं। ये खादी वालों का है, लव्स पाकिस्तान, ये कुछ ज्वेलरी स्टॉल है, और ये सामने मेन किम्ब्रॉइड, पता नहीं क्या नाम है इसका, अजीन एथिनेक वगैरह वगैरह ब्रांड ही ब्रांड है यहाँ पे। जब आप अंदर घुस जाओ तो आपको जो है ना मज़ा ही आ जाता है। जहाँ तक आपकी नज़र जाती है इधर लेफ्ट राइट हर जगह पे जो है ना आपको प्यारी चीज़ें ही नजर आएंगी। अब ये ऊपर इसका फ्लोर देख लें, आगे ऊपर जाके जो है ना ये अलग हो जाते हैं तीनों, यहाँ तक तो एक साथ ही है। मतलब ये इसके बाद जो है ना तीनों बिल्डिंग जो है ना अलग हो जाएंगी। ऊपर जाने के बाद दो फ्लोर और ऊपर जाना पड़ेगा, उसके बाद ये अलग हो जाएंगी। तो ये कुछ व्यू हैं इसके, मतलब इसके अंदर आ जाओ तो आपको हर तरफ जो है ना अच्छी अच्छी चीज़ें ही नज़र आएंगी। और ये नीचे जो है ना फंटा वालों का कोई इवेंट चल रहा है, तो ये कुछ लुक है, वो ग्राउंड फ्लोर में, तो आज काफ़ी अच्छा प्रेजेंट किया हुआ है इन्होंने। अभी हम आ चुके हैं जे डॉट में, क्योंकि यहाँ से कुछ शॉपिंग करनी थी हमारे कुलीग ने। तो जे डॉट का सेटअप तो आप देख सकते हो, हर तरफ से लेविश किस्म का है। जे डॉट की तो बात ही कुछ अलग है। अब देखते हैं, ये हम भी ये खुद भी नज़र आ जाते हैं भाई, ये दोनों तो आपको जानते हैं इनको, उमर और शाह जी। बाकी देखते हैं क्या क्या लोकेशन और क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, क्या पसंद आता है इसको और क्या लेता है ये। डॉट में भी जो है ना मोहतरम को पसंद नहीं आएंगे कई कपड़े। अब आइडियाज में चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे कोई पसंद आता है नहीं आता, लेट्स सी, चलते हैं उधर। अभी हम आ चुके हैं थर्ड फ्लोर में, तो अभी यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सीन है। तो ये भी आपको थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूँ मैं, अब इतना ज़्यादा तो मैं दिखा नहीं सकता आपको, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ब्रांड्स और बहुत ही बड़ा है, बट जो जो कैप्चर हो सकता है वो आपके साथ शेयर करता हूँ मैं, दिखाता हूँ मैं
कैसा है और कैसा लुक्स हैं इसमें। लेट्स सी, अब यहाँ से नीचे वाली एक लुक भी आपको दिखा देता हूँ। थर्ड फ्लोर से नीचे नीचे ये ऐसे ही कुछ लाइटिंग वगैरह तो बड़ी प्यारी है ना। एब्सोल्युटली आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये तो कुछ नहीं बोल सकते, तो चलो देखते क्या होता है। फोर्थ फ्लोर में ये सेमे के बाहर अभी हम खड़े हैं, तो यहाँ पे बाकी सारे ब्रांड्स वगैरह हैं। यहाँ खाने पीने के ही हैं, वो KFC वगैरह आपको नज़र आ रहा होगा और बाकी सारे ब्रांड खाने पीने के। और अब यहीं पे हमारे ब्लॉग का होता है इख्तिताम, तो अभी बाय जाके आपसे जो है ना इसका फीडबैक शेयर करते हैं। अभी जो है ना हम बैठे हुए हैं KFC के बाहर, और महंगा से एक सूट एक भी पसंद आ गया, वो भी हमने ले लिया। और साथ में थोड़ा जो है ना छोटा मोटा खाने का ऑर्डर भी दिया है, वो भी खाते हैं। और साथ में ये जो बनेंदा का जो सूट है वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये आप ज़रा देखें इसको। देखें लोगो ब्रेंजा, और ये रहा जी हमारा सूट जो कि डार्क, क्या कलर है, डार्क ब्लू या ब्लैक ही कह सकते हैं इसको, ये कलर है, ब्लैक ही कह दो इसको जी, कुछ ब्लैक ही है। कलर शलर का मुझे पता नहीं है, तो ये कुछ है, तो ये हमें ब्रेंजा से पसंद आया। जेडार्ट में गए थे लेकिन वहाँ से कुछ चीज़ कोई हमें पसंद नहीं आई, ये पसंद आ गई है। अभी KFC के सामने बैठे, ये अभी आता है तो फिर खाते हैं, तो आपको बताते हैं फिर और चिल करते हैं। ये अभी हमारी आ चुकी है डील, तो ये कुछ आपको नज़र आ रहे होंगे। ये बर्गर है और साथ में एक एक पीस है क्रंच, कटाकट फ्राई क्रंच बर्गर है। कौन सा है? कटाकट फ्राई है, कौन सा क्रंच बर्गर ही है जी। ये मोहसिन साहब ने ऑर्डर दिया है तो इनको ज़्यादा पता होगा। तो ये देखो, ये भूखे नंगे लोग इसकी जो है ना स्ट्रीक बनाना शुरू हो गए हैं, शर्म तो इनको मगर आती नहीं है। तो अभी इसको करते हैं इंजॉय, तो फिर बताते हैं आपको। KFC का टेस्ट तो अच्छा ही होता है, लेकिन देखते हैं आज कैसा रहेगा। इतना ज़्यादा गंद हो चुका है, और ये बंदा जो है ना सबसे ज़्यादा इसी बंदे ने खाया, ये मोहसिन इसी की करतूते हैं। और ये खाने वाला इतना खाता है, इतना इसका जिस्म है नहीं जितना ये खाता है, उधर देख लो इसको। और दूसरा ये है, अभी इज्जत के साथ खा रहा कैमरे के सामने, नहीं तो ये जैसे खाता है तो अल्लाह ही माफ़ करे। और ये शाह जी मज़ज़ीन, और हम खुद तो फिर मज़ज़ीन। ये अभी इख्तिताम की घड़ी आ चुकी है, ये अब हम पहुंचने ही वाले हैं ग्राउंड फ्लोर में। और ये अभी ठक से खुलेगा दरवाज़ा तो हम पहुंच जाएंगे ग्राउंड फ्लोर में। ये आगे ग्राउंड फ्लोर में, अब हम निकलेंगे बाहर की तरफ और बाहर जाके आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह। मैं आ चुका हूँ वापस घर में, और KFC वगैरह इंजॉय करके और सेंटोरस में इंजॉय करके दोस्तों के साथ। तो अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो जितना हो सकता है मैंने दिखाया है जो जो है सेंटोरस में, तो पसंद आया तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल।